दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। और दोस्तों बहुत सारा प्यार आप लोगों से हमेशा हमें मिलता है, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकें। दोस्तों एक्चुअली हमारे एक फार्मर हैं, उन्होंने कुछ गाय खरीदी और वो जब गाय लेकर आए तो कुछ दिन बाद उनको प्रॉब्लम आई कि उनके सारी जो गाय हैं वो उनमें थोड़ा सा फीडिंग को लेकर उनको प्रॉब्लम हुई कि वो ऑफ फीड हो गई, मतलब उन्होंने खाना पीना कम कर दिया, तो उसकी वजह से उनका मिल्क भी कम हो गया। तो उनका फोन आया था, उन्होंने थोड़ी सजेशन मांगी कि सर क्या करूं, मैंने अभी गाय खरीदी है और थोड़ी सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। तो और वो हाई यील्डिंग मिल्किंग काउस थी और सारी की सारी जो थी और सभी की जो यील्ड है वो करीब करीब 20 लीटर से ऊपर थी, 30 लीटर 35 लीटर, लेकिन अब वो 15 लीटर पे आ गई है, 20 लीटर पे आ गई हैं। तो मैं क्या करूं क्योंकि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। दोस्तों एक्चुअली हम जो गलती करते हैं जब भी हम गाय को खरीदते हैं, किसी पशु को खरीदते हैं, तो खरीदने के टाइम एक्चुअली आप देखें कि जब आप उस पशु को खरीदते हैं तो जो बेचने वाला है, जो सेलर है, जो सेल करता है, तो वो भी कोशिश करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा पशु दिखा दे, मोटा तगड़ा, और आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसे उसके वो ले सके। तो वहां भी वो ओवर फीडिंग कराता है, ज्यादा मिल्क आपको मिल्किंग करके दिखाता है, और उस चक्कर में कई बार ऐसा होता है ओवर फीडिंग की वजह से कि वो एनिमल को नुकसान होना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बाद जब आप उस एनिमल को लेकर आते हैं, उस पशु को जब लेकर आते हैं, तो आप क्या करते हैं, फिर आप भी कोशिश करते हैं कि यार वहां पे ये 30 लीटर दूध दे रहा था तो मेरे यहां इसको 32 लीटर देना चाहिए, और आप भी उसकी ओवर फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ढेर सारा कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर, और बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि ज्यादा दूध दे। उस चक्कर में एक्चुअली क्या होता है, उस इस पूरी प्रक्रिया में एक्चुअली कहां गलती कर जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब आप उस एनिमल को खरीद कर लाते हैं तो पूरा फीड उसका चेंज कर देते हैं, जब आप उसको, क्योंकि वहां पे कुछ और था, उसका फीड अलग टाइप का फीड यूज कर रहा था, अलग टाइप का ग्रीन फर्डर था, हो सकता है भूसा भी अलग हो, और यहां पे आकर एकदम से आप उसको चेंज कर देते हैं, उसका फीड भी चेंज कर दिया, भूसा भी चेंज हो गया, ग्रीन फर्डर भी चेंज हो गया। तो उस कारण से होता क्या है कि इसका जो रूमेन है, जो पेट है, जो डाइजेशन है, वो अपसेट हो जाता है। एक्चुअली रूमन के जो माइक्रोब्स हैं वो अपसेट हो जाते हैं। अपसेट जब हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, वहां पे सब क्लिनिकल एसिडोसिस डेवलप होने लगती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, मतलब पशु आहार, खलियां, इस टाइप के आप जो आहार है वो उसको यूज करने लग जाते हैं, और रूमन का को एकदम से झटका लगता है क्योंकि वो चेंज हो गया है वहां से। तो वो लूज डंग, उसका जो काउ डंग है, जो गोबर है, वो लूज होने लगता है, और धीरे धीरे करके देखते हैं कि वो अब उसको जब प्रॉब्लम होने लगी तो उसने खाना पीना कम कर दिया, और जब खाना पीना कम कर दिया तो जो मिल्क प्रोडक्शन था वो नीचे आ गया। और यही कारण होता है, मुझसे अक्सर ये कंप्लेंट्स करते हैं लोग कि सर जब हमने ये एनिमल परचेज किया था तो उस टाइम पे इसका दूध 30 लीटर था, 35 लीटर था, लेकिन अब जब ये एनिमल हम यहाँ पे लेकर आ गए हैं तो कुछ दिन बाद ही वो बहुत कम दूध पे आ गया है। तो दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ कि आपने जो एकदम से चेंज किया, सडन चेंज ऑफ डाइट, आपने एकदम से उसकी जो डाइट चेंज की है, वो डाइट चेंज करने के कारण उसका जो रूमन का जो पूरा वातावरण है, जो माहौल है, जो माइक्रोब्स हैं, उनको एकदम झटका लगा तो वो डैमेज हो गए, और डैमेज होने के कारण आपकी वो जो सिचुएशन है वो और खराब होती चली गई। और जब दूध कम हुआ तो आपने सोचा कि और इसको खिलाएं, और कुछ खिलाने लग जाए, और कंसंट्रेट खिलाने लग जाए, और ज्यादा पशु आहार खिलाने लग जाए, तो वो सिचुएशन और बिगड़ती चली गई। अब इस सिचुएशन में मैं जो आपको एडवाइस करता हूं कि कभी भी आप एनिमल या जो पशु है, जो दुधारू पशु है, उसको खरीद कर लेकर आते हैं, तो सबसे पहला आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं किस तरीके से उस पशु को स्वस्थ रखूं, क्योंकि दूध तो आपको मिल ही जाएगा, उसका जो अनुवांशिक जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसके हिसाब से उसको दूध तो आपको मिल ही जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जहां से भी आप अपना जो पशु खरीदते हैं उससे पूछिए कि वो किस टाइप का आहार यूज कर रहा है, वो किस टाइप का ग्रीन फर्डर यूज कर रहा है, हरा चारा किस तरीके का, सूखा चारा दे रहा है, और भी कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो वो उससे क्लियर कट वहां पे बात करिए, उससे पूछिए, पूरा रिकॉर्ड लीजिए, और कोशिश करिए
कि हम कम से कम उसको 7-8 दिन तक उसी टाइप का पशु आहार या उसी टाइप का जो फीडिंग पैटर्न हम रखें, ताकि उसको एकदम से उसका जो डाइजेशन है वो अपसेट ना हो, उसका रूमेन के जो माइक्रोब्स हैं वो हेल्दी बने रहें, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि अगर आपने 8-10 दिन उसको फॉलो किया और जो चेंज आप करने वाले हैं तो उसको धीरे धीरे करिए आप थोड़ा सा। अगर आप सपोज उसको 5 किलो दाना दे रहे हैं तो आप 4 किलो पुराना दीजिए और फिर उसको धीरे धीरे अपना ऐड करते जाइए और कम से कम 10 से 15 दिन पूरे लीजिए, उसको धीरे धीरे एडप्टेशन का टाइम दीजिए, अनुकूलन का टाइम दीजिए, ताकि वो एनिमल जो है वो पूरी तरह से उस डाइट पर आ जाए और उसके जो रूमेन के जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीवी हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो पूरी तरह से उसमें ढल जाएं और उनको भी वो भी डैमेज नहीं होंगे, और इस प्रोसेस को अगर आप अपनाएंगे तो एकदम से उसको शॉक नहीं लगेगा, उनको झटका नहीं लगेगा और आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा क्या करें, आप जब भी एनिमल को लेके आते हैं तो डाइट तो चेंज होनी है, क्योंकि आप वहां पे कुछ डाइट और थी, कोशिश करें कि वहां जो स्पेशली जो कंसंट्रेट राशन है वो जो यूज कर रहा था, कोशिश करें उसी टाइप की लगभग डाइट को रखें, और साथ में आप फाइबर को मेंटेन जरूर करें, क्योंकि आप लेकर आते हैं वहां से एनिमल और ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन के चक्कर में कॉन्सेंट्रेट राशन आप बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने की वजह कॉन्सेंट्रेट है जो पशु आहार खलियां हैं उनको थोड़ा सा नीचे रखें, कम उनको दें और फाइबर साइड को थोड़ा सा बढ़ा दें। फाइबर साइड मतलब जो सूखा चारा है, हरा चारा है, इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका जो जुगाली है वो पैटर्न उसका हेल्दी रहेगा, ज्यादा जुगाली करेगा तो ज्यादा सलाइवा लार उसके अंदर बनेगी, जिसके कारण बफरिंग एक्शन बहुत अच्छी होगी। बफर अगर सही तरीके से आपने बफरिंग एक्शन उसके अंदर होती है तो उसकी रूमेन की जो क्षमता है, जो डाइजेशन की, जो पाचन की जो क्षमता है वो उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे, जब एक बार रूमेन सेट हो गया, 15 दिन में आपका फीड आ गया, धीरे धीरे करके फिर आप उसको कॉन्सेंट्रेट पशु आहार इसकी मात्रा बढ़ाएं और चेक करते रहें कि कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। साथ में जब भी आप डाइट चेंज करते हैं इस टाइम पे मैं रिकमेंड करूंगा कि फाइबर के साथ साथ जो हरा चारा, सूखा चारा उसको ज्यादा खिलाना है, उसके साथ साथ आप एक बफर, अच्छा सा बफर यूज करें। वो बफर मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो मीठा सोडा है उसको यूज कर सकते हैं, ताकि वो पीएच उसका रूमन का वो बरकरार रहे, सही रहे, एसिडोसिस डेवलप ना हो, एसिडिटी डेवलप ना हो। और दूसरा आप यूज करें ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट आप देखते हैं आजकल बहुत सारी कंपनीज का आ रहा है, आप 10 से 15 ग्राम पर एनिमल उस ईस्ट को, आप ईस्ट ग्रेन्यूल को आप डाइट के साथ, उसके जो पशु आहार है उसके साथ उसको मिक्स करके उसको एनिमल को देंगे, तो क्या होगा कि जो मीठा सोडा है वो पीएच को रेगुलेट करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा और एसिडिटी डेवलप नहीं होने देगा। साथ में आपने ईस्ट दे दिया है, ईस्ट मतलब कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो उन सूक्ष्म जीवियों की मदद करते हैं, उनको ऊपर उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं, तो वो ईस्ट क्या करेगा, उनकी ग्रोथ में मदद करेगा, तो उनकी जो बैक्टीरिया हैं, जो फायदेमंद जो बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी और फाइबर का डाइजेशन प्रॉपर होगा, और जब वो जुगाली अच्छी करेगा तो प्रॉपर उसका डाइजेशन होगा, तो इस टाइम पे अब वो फीड कंजम्पशन, जो ड्राई मैटर इनटेक, उसका जो आहार लेने की क्षमता वो बढ़ जाएगी, वो ज्यादा खाएगा और ज्यादा खाएगा तो आप देखेंगे कि वो दूध भी ज्यादा देगा। तो कभी भी एकदम से आकर उसकी आप डाइट को चेंज ना करें, और उसके साथ साथ आप जब वहां एनिमल को परचेज करते हैं तो फीडिंग का रिकॉर्ड उससे लेने के बाद आप कोशिश करें कि डीवर्मिंग उसने कब कराई थी वो रिकॉर्ड भी ले लें। और दूसरी बात, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी जैसे ऑफ फीड हो गया, तो ईस्ट, मीठा सोडा, फाइबर के अलावा आप डाइट में जो TMR बना के दे रहे हैं ना, टोटल मिक्स राशन, मतलब जो पशु आहार है या खलियां हैं, सूखा चारा, हरा चारा, तो इसमें क्या करें, जब फीडिंग के पहले कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको रफेज डाल दें। रफेज मतलब फाइबर जो वाला भूसा जब देंगे पहले,
पहले से थोड़ा सा भूसा खिलाएं उसको, तो भूसा जब खिलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेलाइवेशन होगा, लार ज्यादा बनेगी, लार बनेगी तो बाइकार्बोनेट जो बफर एक्शन वो बहुत अच्छा होगा। बाद में आप उसको मेन टीएमआर जो है मुख्य आपकी जो आहार है जो टीएमआर है वो आप उसको दें। और एक और मैं इसमें आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप ये आहार देते हैं तो उसको अगर आप दो बार में दे रहे हैं सुबह शाम तो उसको बढ़ा के आप तीन बार करिए, तीन बार दे रहे हैं तो चार बार करिए, क्योंकि अगर उसकी फ्रिक्वेंट फीडिंग कराते हैं, फ्रिक्वेंट मतलब बार बार उसको उसी राशन को बांट कर आप बार बार देते हैं तो उससे उसका रूमेन हमेशा एक्टिव रहता है, उसके अंदर सेलाइवेशन प्रॉपर होता है, तो आप देखें कि हमेशा उसका ग्राफ इस तरीके से चलता रहेगा और आपको ये समस्या नहीं आएगी। दोस्तों यूं ही हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार यूं ही बरसाते रहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।